दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन को 5 साल हो चुके हैं। श्रीदेवी ने 2018 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। श्रीदेवी एक फैमिली फंक्शन के चलते दुबई गई थी। वो फरवरी का महीना था जब पेपराजी ने लेडी सुपरस्टार को आखिरी बार एयरपोर्ट पर स्पॉट किया और उनकी तस्वीरें ली। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इस बीच बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्म मेकर्स में से एक और श्रीदेवी के पति बॉनी कपूर ने हाल ही में श्रीदेवी की मौत पर पहली बार खुलकर बात की। साल 2018 में जब श्रीदेवी की मौत हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैरान हो गए थे। अचानक से श्रीदेवी का यूँ जाना लोगों को पच नहीं पा रहा था। तरह तरह की थ्योरियाँ बाहर निकल कर आ रही थी। सोशल मीडिया, अखबार से लेकर टीवी तक में अलग अलग चीज़ें बताई जा रही थी। लेकिन हाल ही में बॉनी कपूर ने एक इंटरव्यू में एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबको चौंका के रख दिया है। श्रीदेवी ने 16 साल के साथ हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, लेकिन उन्हें पहचान दिलाई एक्शन फिल्म हिम्मत वाला ने। इस फिल्म के बाद श्रीदेवी बड़े पर्दे पर ऐसी छाईं कि उनके आगे बड़े बड़े सुपरस्टार्स तक का स्टारडम फीका पड़ने लगा। श्रीदेवी की आखिरी फिल्म 2017 में रिलीज हुई मॉम थी, जिसमें एक बार फिर वो दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही। लेकिन साल 2018 में श्रीदेवी को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसने उनके फैंस को हिला कर रख दिया। खबर थी उनके निधन की। खुद को फिट रखना बॉलीवुड की डिमांड ज़रूर है, लेकिन इस फिटनेस के चक्कर में कई बार एक्टर एक्ट्रेस अपनी हदें पार कर जाते हैं। कई बार वो इस तरह की डाइट लेना शुरू कर देते हैं जो उनका शरीर अलाउ नहीं करता। फरवरी 2018 में पेपराजी ने आखिरी बार श्रीदेवी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया था। इस दौरान श्रीदेवी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनका स्टाइल, लुक और फिटनेस बिल्कुल वैसे ही था जैसी हमेशा से वो रही हैं। अभिनेत्री के पति बॉनी कपूर और उनकी छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ वो एयरपोर्ट पर नजर आई थी। श्रीदेवी का निधन बाथटब में डूबने से हुआ था, हालांकि इस वजह पर किसी को यकीन नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर भी श्रीदेवी के निधन की अलग अलग थ्योरी थी, लेकिन कपूर परिवार ने इस मामले पर खामोशी बनाए रखी। मीडिया से श्रीदेवी को लेकर किसी भी तरह की चर्चा नहीं की। लेकिन अब जाकर बॉनी कपूर ने पहली बार श्रीदेवी के निधन पर खुलकर बात की और उनकी मौत की वजह बताई। फिल्म मेकर के अनुसार अभिनेत्री खुद को शेप में रखने के लिए क्रैश डाइट करती थी। अभिनेत्री खुद को शेप में रखने के लिए डाइट करती थी और जब उनके साथ ये हादसा हुआ वो क्रैश डाइट पर थी। क्रैश डाइट वो होती है जिसमें काफ़ी तेजी से वजन घटता है। श्रीदेवी का निधन बाथटब में डूबने की वजह से हुआ था। उस वक्त श्रीदेवी दुबई में थी, फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए गई हुई थी, जिसके बाद जो है श्रीदेवी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। बॉनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी अक्सर डाइट पर रहती थी। वो हमेशा अच्छा दिखना चाहती थी। वो इस बात पर पूरा ध्यान रखती थी कि वो शेप में रहे ताकि वो स्क्रीन पर अच्छी दिख सके। बॉनी कपूर से शादी के बाद भी वो 2 बार ब्लैकआउट हुई हैं। डॉक्टर भी कहते थे कि उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है। तो चलिए आपको बताते हैं उन अभिनेत्रियों के बारे में जो अपने वजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। वो हमेशा कैमरे पर सुंदर दिखना चाहती हैं और इसके लिए वो तरह तरह के डाइट प्लान भी फॉलो करती हैं, लेकिन कई बार इसका बुरा असर भी पड़ता है और उनका शरीर जवाब देना शुरू कर देता है। हालांकि श्रीदेवी अकेली ऐसी एक्ट्रेस नहीं थी जो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती थी। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में भी ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जो परफेक्ट शेप में रहने के लिए क्रैश डाइट का सहारा ले चुकी हैं। चलिए आज हम उन अभिनेत्रियों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम इसमें करीना कपूर का लेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर ने जब बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी वो एक नॉर्मल पंजाबी लड़की लगती थी, लेकिन टशन फिल्म के गाने छलिया के लिए अभिनेत्री ने 0 फिगर करके सभी को हैरान कर दिया। करीना कपूर का 0 फिगर फेमस हो गया। करीना ने इसके लिए क्रैश डाइटिंग का सहारा लिया था। बताया जाता है कि एक बार करीना ने बिकनी सीन के लिए कुछ दिनों पहले से ही खाना छोड़ दिया
और सिर्फ ऑरेंज जूस के सहारे ही रहती थी। ऐसे में वो एक बार सेट पर बेहोश भी हो गई थी। टीवी अभिनेत्री निया शर्मा ने भी क्रैश डाइटिंग के अपने ऊपर हुए इफेक्ट के बारे में बताते हुए कहा था कि कई बार ऐसा हुआ जब रिहर्सल के दौरान सेट पर वो बेहोश हो गई। हालांकि वो इसके नतीजों से बहुत ज़्यादा खुश थीं। गाने में सही लगने का उनका इतना प्रेशर था कि कई बार उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन भी हो जाता था। 30 मार्खा में कैटरीना का डांस नंबर शीला की जवानी भला कोई कैसे भूल सकता है। गाने में कैटरीना की सुपर टोन्ड बॉडी देखकर लोग हैरान रह गए थे। इस बॉडी को पाने के लिए कैटरीना ने 6 महीने जमकर मेहनत की थी। डाइट के साथ जिम में भी खूब पसीना बहाया। एक्ट्रेस सुबह शूट करती थी और रात में वर्कआउट करती थी। उन्होंने शुगर नमक लेना बंद कर दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के एक सिक्वेंस के दौरान वो बेहोश होकर गिर भी गई थी। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन बॉलीवुड में ये कहावत मायने नहीं रखती। बॉलीवुड में मायने रखती है कि जान है तो काम है, यानी कि आप अगर जिंदा हैं, फिट हैं, सुंदर हैं तो आपको काम मिलेगा, अदरवाइज आपको काम मिलना बंद हो जाएगा। और शायद यही डर है कि एक्टर एक्ट्रेसेस अपने आप को फिट रखने पर कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देते हैं, यहाँ तक कि कई बार ये तवज्जो उनकी जान पर भी बनाती है।